मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 में पढ़ेंगे मैं हूँ। लेसन का नाम ही क्या है, मैं हूँ। एटले कि गुजराती में बोलवू हो तो शू कह, मैं एटले हूँ, छू, हूँ एटले छू, मैं हूँ। तो क्या लिख बच्चों इसमें क्या दिया है, वो प्राणी का प्राणी दिए हुए, सारे गुजराती में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, प्राणी के चित्र दिए हुए, एनिमल्स के, एनिमल्स के सारे चित्र दिए हुए हैं। तो चित्र पहचानिए, क्या लिखा है, चित्र पहचानिए, एटले कि चित्रों ने जुओ, पढ़िए और समझिए। चित्रों को देखिए पहले, फिर उसको पढ़िए और समझिए। तो ये हमें सिर्फ पढ़ने के लिए ही है कि हमें समझना है। जैसे कि यहाँ सिंह का चित्र दिया हुआ है, किसका चित्र है, ये सिंह का। तो मैं सिंह हूँ, क्या बोलता है कि मैं सिंह हूँ, हूँ सिंह छू, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। कि यीशु क्या मांगे छे कि लोगो छे मने शू समझे छे, जंगल नो राजा, એટલે કે સમજતા નથી, જંગલનો રાજા જ કહેવાય છે। લોક શું કે સમજે છે કે જો લોક મુજે જંગલ કા રાજા કહેતે, તો સિંહને આપણે શું કહી શકીએ, જંગલનો રાજા, લોક મુજે જંગલ કા રાજા કહેતે, ઓ સિંહ જંગલ કા રાજા હી હૈ, મુજે દેખકર સબ ડરતે હૈ। તો ક્યા બોલતે કે જબ મેં મુજે દેખતે લોક તો ક્યા કરતે, સબ ડર જાતે, મુજે દેખકર સબ ડરતે હૈ। તો વૈસે આપ सोचो कि अगर सिंह आपके सामने आ जाएगा तो क्या करोगे, आप डरोगे ना। और जब हम जाते हैं जू में, प्राणी संग्रहालय होता है, जू में जाते हैं और सिंह घूरता है तो भी हम कैसे डर जाते हैं। तो सिंह से तो सबसे सबको डर लगता है, तो सिंह को देखकर सब डर जाते हैं। फिर दूसरा चित्र दिया है बाघ का, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाघ। तो मैं बाघ हूँ, ये शू कह छे एनो के हूँ बाघ छू, मैं बाघ हूँ। मेरे शरीर पर पट्टे है, उसके शरीर पर क्या है, ये पट्टे। मेरे उसकी जो आप देखो उसकी चीज, ये चामड़ी दी हुई है स्किन, उसके शरीर पर क्या है, ये पट्टे दिए हुए हैं। मैं जंगल में रहता, वो कहाँ पर रहता है, बाघ जंगल में रहता है। और मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ, तो ये क्या है, भारत का, ये भारत का हमारे देश का क्या है, ये बाघ को हम क्या, बाघ को क्या मिला है, राष्ट्रीय पशु का सम्मान मिला है। तो मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। फिर आया हाथी, हाथी भाई क्या बोलते हैं, देखो हम देखते, मैं हाथी हूँ, क्या बोल रहा है कि मैं हाथी हूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं। हाथी का दूसरा नाम क्या है, गज। तो लोग मुझे गज भी कहते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ, क्या बोलता है कि मैं भी जंगल में रहता हूँ, और मेरी सूंड, ये उसकी क्या दी है, सूंड, कि मेरी सूंड लंबी है, देखो ये कितनी लंबी है सूंड, यहाँ से कैसे ऊपर कटा, आपके सबने हाथी भी देखा होगा। तो मेरी सूंड लंबी है, वो क्या बोलता है कि मेरी सूंड लंबी है, मैं हाथी हूँ, मुझे गज भी कहते, और मैं कहाँ रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ। फिर देखो मैं भालू हूँ, ये क्या बोलता है कि मैं भालू हूँ, मैं रींच भी कहलाता हूँ। गुजराती में आपने बोलिए चाहिए बालू, ने हिंदी में बालू और गुजराती में इसमें रीच लिखा है, लेकिन उसे हम गुजराती में ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो शब्द को रीच भी कहलाता हूँ। जब डमरू बजता है तो क्या बोलता है, पता है रीच, कि जब डमरू बजता है तब मैं नाच दिखलाता हूँ। शू कह छे कि जयरे डमरू वागे छे त्यारे हूँ नाचवा माँडू छू, तो जब डमरू बजता है तब मैं नाच दिखलाता हूँ, तब मैं नाचता हूँ। फिर यहाँ देखो बच्चों, अब क्या आया, आपको चित्रों के माध्यम से तो पता चल गया कि वो क्या करते थे। अब क्या है, यहाँ पर देखो, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो आपको क्या करना है, ये बाघ, बाघ के बारे में हमने पढ़ा, हाथी के बारे में पढ़ा, भालू के बारे में, तो क्या करना है, यहाँ लिखा है शेर सी, तो आपने यहाँ क्या लिखा, शेर और यहाँ सी, यहाँ पर हिंदी में लिखना है और यहाँ गुजराती में लिखना है। तो बाघ, चलो मैं एक लिख देती हूँ, बाघ, बाघ गुजराती में शू लिखवानू छे, बाघ, बस उसी तरह ये सारे आपको लिखने हैं। अब चलो हम पढ़ते पढ़ते, हाथी हिंदी में और हाथी गुजराती में ऐसे लिखता है। फिर मैंने बताया था ना भालू, भालू रिज, तो भालू को हिंदी में भी रीच कहते, लेकिन क्या आएगा, ये
रिच या जो टप्पू करते हैं हम या भालू तो रिंच रिंच लखू है तो आप यह करव पड़े पर हिंदी में क्या बोलते हैं रिच और गुजराती में रिंच। फिर चीता ये क्या लिखा है चीता हिंदी में गुजराती में इस लखू है तो उसके भी लख सो चित्तो। तो आपको क्या करना है ये सारे यार ये यहाँ हिंदी में और यहाँ गुजराती में लिखना है। मैं यहाँ लिखती हूँ हिंदी में और ये गुजराती में, तो ये गुजराती में लिखना है और यहाँ हिंदी में। फिर लोमड़ी, लोमड़ी शियार को हिंदी में क्या बोलते हैं लोमड़ी, शियार को हिंदी में क्या बोलते हैं लोमड़ी। फिर वरु, वरु गुजराती में प्राणी को क्या बोलते हैं पशु, हिंदिया हिंदी में भेड़िया, वरु को क्या बोलते हैं हम भेड़िया। फिर आया हिरण, हिरण को गुजराती में क्या बोलते हैं हरण। गाय, गाय को गाय ही बोलते हैं। पची फिर भैंस, तो यह डबल मात्रा होती है भैंस, हिंदी में भैंस बोलते हैं और गुजराती में भैंस। फिर बेड, तो गुजराती में बेड, हिंदी में गुजराती में गेटू। फिर बकरी हिंदी में और गुजराती में भी बकरी। घोड़ा हिंदी में घोड़ा और गुजराती में घोड़ो। ऊंट को ऊंट ही बोलते हैं। फिर बंदर हिंदी में बोलते हैं बंदर और बांदरो गुजराती में। फिर बिल्ली तो ये बिलाड़ी। फिर कुत्ता हिंदी में और कुत्रो गुजराती में। खरगोश हिंदी में और ससलू गुजराती में। तो ये सारे आपको लिखना है। फिर बच्चों में एक लोग एक बात बोलती हूँ कि आप फोर्थ में आप अपने मम्मी पापा के पास साथ गए होंगे कहीं भी, तो आपको मेरे ख्याल से तो आपको ये सारे पशु आपने देखे ही होंगे। प्राणी संग्रहालय में जाते हैं जू में तो देखे ही होंगे आपको कोई भी, मानो कि तुम आप लोगों ने एक आध नहीं देखा होगा लेकिन सारे आपके आपने देखे भी होंगे और पहचाने भी होंगे, तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, ये हिंदी में लिख दो यहाँ और ये गुजराती में लिख दो। फिर यहाँ देखो निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। तो बच्चों मैं यह फोटो पाड़ कर भेजूँगी फोटो, तो आपको यह हिंदी में, तो आपको क्या करना है होमवर्क में हिंदी की नोटबुक में जिसके पास बुक नहीं वो नोटबुक में क्या करेगा ये प्राणियों के नाम हिंदी में लिखेगा, इसमें से देखकर ही लिखना है। ससलू को क्या बोलते हैं खरगोश। गेटू, गेटू को क्या बोलते हैं भेड़। वरु को क्या बोलते हैं हम वरु को भेड़िया। शियार को क्या बोलते हैं हम लोमड़ी, शियार को लोमड़ी और कुत्रो तो कुत्ता। और सिंह को क्या बोलते हैं हम सिंह को क्या बोलते हैं सिंह ही बोलते हैं, तो सिंह को सिंह का चित्र दिया हुआ है आपको, मैं सिंह को सॉरी सिंह को हम हिंदी में क्या बोलते हैं शेर बोलते हैं। तो उसी तरह खरगोश लिखो, बेड लिखो यहाँ पर, वरु को भेड़िया लिखो, शियार को लोमड़ी लिखो, कुत्रों को कुत्ता लिखो, सिंह को शेर लिखो, उसी तरह आप अपने नोटबुक में लिख देना। फिर ये समझने के लिए है क्या लिखा है प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो ये सारे क्या दिए हुए चित्र दिए हुए तो कोष्टक से चुनकर लिखना है। तो ये बिल्ली का चित्र है तो मैंने बिल्ली लिखा यहाँ पर, ये कुत्ता का चित्र है तो मैंने क्या लिखा कुत्ता यहाँ पर लिख दिया है। फिर ये किसका चित्र है हिरण का, तो आप हिरण लिखोगे। हाथी का चित्र है तो आप हाथी लिखोगे यहाँ। लोमड़ी का चित्र है सियार लोमड़ी, तो लोमड़ी लिखा। ऊंट को तो भी हम गुजराती में भी क्या बोलते हैं ऊंट ही बोलते हैं। फिर ये क्या लिखा है चीता, तो चीता। फिर ये क्या लिखा है बेड, बेड का चित्र है गेटू, तो बेड लिखा। फिर भालू रिंच, तो यहाँ पर मैंने हिंदी में क्या लिखा भालू, और बंदर का चित्र है तो बंदर लिखा। तो ये बच्चों जिसके पास बुक है वो ही लिखना, जिसके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो आपको चित्र पहुँचाने के तो फिर आपको एग्ज़ाम में लिखने को अपने आप आ जाएगा, पर जिसके पास बुक है वो लिख सकता है। फिर ये भी उसी तरह ये भी ये आपको होमवर्क अपने आप करना है होमवर्क। बुक है वो ही लिखना, बुक जिसके पास नहीं है उसको तो कोई बात नहीं। प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो इसमें भी वही है गाय
घोड़ा, भैंस, खरगोश, बकरी, कुत्ता, सी, एसी और ए बाघ, ये तो सारे ये आगे भी हम देख चुके। तो आपको क्या करना है, कोष्टक में दिए हुए हैं तो आपको पहचान करिए, चित्र के माध्यम चित्र दिए हुए तो आपको क्या करना, हिंदी उसके नाम लिखने हैं। अगर एग्जाम में आए भी तो चित्र आएगा और कोष्टक भी आएगा, आपको चुन कर लिखना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आपको आता ही है। तो आपको होमवर्क में पहले मैंने बोला कि जिसके पास बुक है वो क्या करेगा, बुक है वो तो सब में लिखेगा, लेकिन जिसके पास नोटबुक है ओनली नोटबुक वो क्या करेगा, ये पूरा पेज मैं फोटो भेजूँगी तो उसमें से आप देखकर हिंदी की नोटबुक में लिख देना। तो अच्छा बच्चों, अब हम आगे का लेसन बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।